कमाई है तो दुनिया है, और काम नहीं कमाई नहीं तो मैं कह रही हूँ अपना खुद का साया भी नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ सुबह के हो रहे हैं 6:30 का टाइम है समथिंग, और मैं यहाँ बना रही हूँ पूड़ियाँ और साइड में धरे हैं आलू। तो बस आज निकलने की तैयारी है, बड़ी वाली कढ़ाई के खाली होती मैं सब्जी भी चढ़ा दूँगी जो आलू रखे हुए हैं, और यहाँ पर साइड में अन्नू पूड़ियों को गर्म गर्म ही पैक करेंगे ताकि लंबा सफ़र है, पूरा दिन लगने वाला है दिल्ली पहुँचने तक। और मैंने सोचा शुरू से ही मैं आप लोगों के लिए व्लॉग जो है शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर आप इस घर को मिस करोगे। और किस किस को इस घर का टूर चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, फिर मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो बस अभी मिलती हूँ मैं आपसे कैमरे पर। शहर कैसे हैं आप लोग, प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बहुत बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो लास्ट डे है आज, देख लीजिए मेरे घर को, और बस जा रहे हैं हम। बैग भी हमारे बाहर निकल गए हैं, और कल का ही सूट पहन के जा रही हूँ क्योंकि कल मामी जी के घर से निकले थे तो ये वाला सूट डाला था। और अब सफर में वैसे भी गंदा ही होना है, तो घर जाके फिर दिल्ली में जाके वैसे भी नहाना धोना ही है जाते ही। तो मम्मी से मिलते, मम्मी कैसा लग रहा है हम जा रहे हैं? दिल दुखता है, मम्मी का रोती हैं, हम भी रोते हैं, अन्नु भी रोते हैं। माता नहीं है, माता को हमने इसलिए पहले भेज दिया था कि उनका दिल और छोटा होता है तो फिर वो और अच्छा नहीं लगता है ना अन्नु। तो चलिए चलो चलो, बैग वैग सब बाहर निकल गए हैं, मत्था टेक लेते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं मटकी को छू रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ जिसमें फूल रखा है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक कन्या लेके खड़ी होती है द्वार पे, और मैं अन्नू बच्चे हम सब जो हैं इसमें अपने अपने हिसाब से पैसे डालेंगे, हमारी जितनी भी श्रद्धा होगी, और इस मटकी को छुएंगे जैसे मैंने छुआ। और मैं शिवलिंग जी को नमस्कार कर रही हूँ जाने से पहले, क्योंकि ये शिवलिंग जी की जो पिंडी है ना, ये हमारे घर की ज़मीन के अंदर से निकली थी जब ये मकान बना था। तो कैसी लगी बताइए। भगवान का मत्था वगैरह हमने टेक लिया है और बस चलते हैं, गाड़ी आ गई है नीचे, क्योंकि अन्नू के जो दोस्त हैं वो मेन बस अड्डे तक आए हैं, घर पे नहीं आए हैं वो लोग, क्योंकि उनको भी फिर वापस जाना है, तो इसलिए तो हमने सोचा चलो बस अड्डे तक आ गए, यही बहुत है, तो फिर हम अब वापस वहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं घर के बाहर, गाड़ी आ गई थी, सामान रखा और हम लोग निकल लिए। मम्मी नहीं आई क्योंकि गाड़ी में सामान इतना हो गया था तो मम्मी के बैठने की जगह नहीं हुई, और हनी देखिए सो गया है। क्या है ना, हम तीनों कोई पहाड़ों वाले इलाकों में ना बहुत वॉमिट फील होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपसेट इसलिए भी हूँ कि मम्मी को रोता छोड़े आए हैं, और यहाँ पे खूब सारा आपको व्यू इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इस व्यू को बहुत मिस करने वाले हो। जब भी मिस करो तो प्लीज़ मेरे ससुराल के व्लॉग देख लेना आप लोग। और ये कब बहुत बड़ी नदी है, किसी दिन नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना, जब मैं नेक्स्ट टाइम तब मैं आप लोगों को ये पूरी नदी दिखाने वाली हूँ। अभी तो कोरोना टाइम की वजह से क्या है ना, इधर जा भी नहीं सकते तो इसलिए दिखा नहीं पाई। और ये हम पहुँच गए हैं बस अड्डे, और यहाँ पर जो है अन्नू के साथ में बैग लेके जो दो भैया खड़े हैं, तो ये दोनों ही आए थे अपनी ये वाली गाड़ी लेकर हम लोगों को लेने, और बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, मम्मी ने काफ़ी सारा गांव का अपने घर का चावल आटा दाल मतलब काफ़ी मसाले वगैरह दिए थे, कैसे लगे बताइए। तो गाइस, अभी हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, मतलब कि उन्ना पार कर चुके हैं, और उन्ना पार करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि प्लेन रास्ता है तो अब वॉमिट नहीं होगी, लेकिन इससे पहले अगर हम खाना खा लेते तो पहाड़ों में घूम घूम के वॉमिट होती और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी वहाँ पर रो रही थी और मेरा यहाँ थोड़ा सा मन उदास हो रहा था, हालांकि मैंने फ़ोन करके उनको समझाया भी है कि रो मत क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हम लोग घर से निकल गए ऐसे करके मैंने मतलब बोल तो दिया, और मम्मी फिर चुप भी हो गए। मैंने हन्नी बन्नी की कसम दे दी थी, मम्मी आपको हन्नी बन्नी की कसम है आप मत रो, तो इसलिए फिर वो हन्नी बन्नी की कसम मान के वो चुप हो गई हैं। फिर बोले घर जाके फ़ोन करियो, और सबसे ज़्यादा जो उनको डर लग रहा है ना, वो इसी वजह से लग रहा है कि दिल्ली में कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसके प्रति उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैंने और हन्नी ने तो गाड़ी में ही खाना खा लिया था, और ये तीनों दोस्त और बन्नी वहाँ पर खाना खा रहे हैं। रुकिए, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, दिख रहे हैं आपको, ये तीनों लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं आराम से। तो और इधर हन्नी गाड़ी के साथ चाबी मार रहा है, फोन बज रहा है, तो देख सकते हैं ये फोन आ रहा था, और इतना प्यारा सॉन्ग लगता है, इन्होंने अपने दूसरे फोन में वाला गाना डाला है, कल रात को ही डाला था। हम लोग खाली बैठे थे मम्मी से बातें करते के बाद, मम्मी सो गई थी, फिर हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते अन्नू बोला मेरे दूसरे वाले फ़ोन की जो है मैं रिंगटोन चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा रिंगटोन चेंज कर दे, बोले जब फ़ोन आएगा ना तो बहुत अच्छा गाना बजेगा, तो लगा के देखते हैं हम। तो हमने लगाया, लगा बहुत सारे गाने
कभी कहाँ का कभी कहाँ का कभी कहाँ का, अजीब अजीब से गाने आते। फाइनली फिर ये वाला गाना आया ना, तो फिर ये बहुत अच्छा लगा। फिर हमने ये वाला गाना लगा दिया और हन्नी हमेशा की तरह वही, मैंने जैसे बताया, गाड़ी चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है वो, लेकिन चाबी नहीं। चाबी हन्नो के दोस्त ले गए, क्योंकि हमने उनको पहले बोल दिया था कि भाई शरारती है कि गाड़ी की चाबी लगी मैं छोड़ना। तो बस अब ये लोग खाना खा कर आ जाएंगे, तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ कि जब हम मतलब कि कहीं पे गाड़ी रुक जाती है तो कैसे खाना खाते हैं। और थैंक यू इनके दोस्तों का, सच्ची में इसे कहते हैं दोस्ती। कितनी ज़्यादा महामारी फैली भी है उसके बाद भी ये लोग दिल्ली से हमें यहाँ पे लेने आ गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और अभी तो टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पूरा दिन लगना है, मतलब रात को जाके पहुँचेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चे हैं तो कहीं कहीं पे गाड़ियाँ रुक रही हैं कहीं कहीं पे। अब पता ही है आपको, मतलब बस होती तो वो कहीं नहीं रोकती, सीधे चलती है, लेकिन गाड़ी होती तो इंजॉयमेंट करते हुए जाना आना चाहिए। और बस हो रहा है, मन छोटा हो रहा है थोड़ा, मम्मी की सोच के हो रहा है, लेकिन क्या करें, एक प्रथा ही ऐसी है ना कि ना चाहते हुए भी बेटे को माँ से दूर होना पड़ता है। और अब आप लोग करेंगे कि इतना ही वो आ रहा है तो आप रह जाते, तो उसके भी मैं बात बता दूँ कि मम्मी को पसंद नहीं है कि अन्नू बाहर का खाना खाए, क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई है। देखिए आजकल सारे बहू बेटा जो हैं सब अपनी फैमिली से थोड़ा दूर ही रहते हैं बेचारों, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि तो बहू बेटा हर फैमिली से माँ बाप से इसलिए दूर हो गए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कमाई की वजह से, क्योंकि भाई कमाई है तो देखो सारे रिश्तेदार, मैं तो मुँह फटूँ और मैं मुँह खोल के बोल रही हूँ, कमाई है तो दुनिया है, और काम नहीं कमाई नहीं तो मैं कह रही हूँ अपना खुद का साया भी नहीं है। ठीक है, किसी को मैं पॉइंट मारूँ उससे अच्छा है कि अपना खुद का साया भी नहीं होता, जब हमारे पर बुरे वक्त आता है ना तो अपना साया भी नहीं होता है। तो चलिए इन लोगों ने भी खाना खा लिया, ये लोग आएंगे अब इधर और गाड़ी फिर चलेगी कंटिन्यू, फिर कहीं रुकेगी, कहीं कुछ दिखाने लायक लगेगा शायद। अब तो खैर चंडीगढ़ में रुकेगी क्योंकि वहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे हम लोग, और उस क्योंकि कोविड है उसकी वजह से कहीं पे चाय की दुकानें वगैरह ये सब भी तो बंद है ना, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, नहीं तो बात तो इतनी होती हैं आपसे करने के लिए, जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन ब्रेक लेना भी जरूरी है। फाइनली 6:45 हो गए हैं हमें, और कब के निकले हुए हैं, और अब 6:45 हो गए और अभी तक हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुँचे शायद, नहीं चंडीगढ़ पार हो गया अंबाला। पक्का? अच्छा मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को ना वॉमिट हुई थी, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में मेरा दिमाग ना घूम तो रहा था बहुत देर से, लेकिन वॉमिट नहीं हो रही थी। फाइनली मुझे वॉमिट हुई तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐसे करके सो गई, जब मैं सो गई तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, और मतलब टॉयलेट वगैरह के लिए रुके हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं ये लोग, और फिर दोबारा गाड़ी चलेगी। और चाय पीने का बहुत मन कर रहा पर चाय कहीं मिल नहीं रही, और मतलब मन तो बहुत कर रहा है लेकिन धक धक भी हो रही है कि चाय पियेंगे तो ऐसा ना हो वैसा ना हो, COVID-19 जैसे सबको पता ही है, बाहर कुछ खाने पीने में भी डर लग रहा है, तो सेम वही हालत है। और कहाँ हूँ मैं ये बता दूँ आपको, जंगल के जंगल है यहाँ, साफ नहीं दिखाई दे, बहुत अच्छा व्यू है पर कुछ नहीं कर सकते, बाहर है तो चाय मिल जाए ना तो जो भी मेरा थकावट है ना मस्त हो जाएगी दूर। चलिए चाय मिलेगी तो मिलती हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आप लोगों से बातें करते जाऊँगी, बताती जाऊँगी कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं, ठीक है, देख रेख करते रहिएगा आप मेरी। बस फाइनली आ गई है चाय, और हमने मंगाया है एक गरम गरम पराठा और अचार, और चाय मंगवाई है, पराठा और चाय देगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर आए हैं इस वाले ढाबे पे, साफ सुथरा है और सब कुछ देख लिया कि जो भी कोई आ रहा जा रहा है ना उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, और सब ने मास्क भी लगा रखे हैं सारे सर्विस वालों ने, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। हमने अपने हाथ को भी सैनिटाइज कर लिया है अच्छे से, और अब खा रहे हैं आलू का पराठा, क्योंकि मैंने तो जितना खाया था सब मैं निकल गया, लेकिन अब बहुत ही भूख लगी क्योंकि अब सीधे सीधे रोड है और बहुत देर से चले ना, तो अब बहुत ही भूख लग रही है, तो चलिए खा लेते हैं। और अन्नू वगैरह ये शायद फिर से फ्रेश वगैरह, अच्छा अंदर बैठे हैं ये लोग, अंदर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, पर मैंने बोला मैंने कहा मैं बच्चों को लेकर अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे ही हूँ, बन्नी अपने पापा के बिना रहता नहीं, थोड़ा वो अंदर चल रहे हैं ना पंखे एसी वगैरह, तो उसकी हवा शायद लेने चला गया। किस किस को पहाड़ी एरिया में बहुत बुरी तरह वॉमिट आती है प्लीज़ मेरे साथ बताइए, मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं आती थी लेकिन आज पता नहीं क्यों आ गई, मतलब मैं ना एक दवाई खा लेती हूँ जिससे कि वॉमिट नहीं आती है, बच्चे को भी देती हूँ तो वॉमिट नहीं आती, लेकिन आज उस दवाई का भी असर नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई।
मैं ना घर में भी व्लॉगिंग करती थी, कहीं जाती थी वहां पे भी घरों में व्लॉगिंग करती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम पूरा व्लॉग कार में ही निकल गया। ठीक है चलिए कर लेती हूँ, तो फिर ठंडा हो जाएगा और आलू के पराठे का मजा। फिर हमें यहाँ पे एक घंटा हो गया, उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं आया है, मतलब अंदर वाले लोग अंदर ही हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बन्नी बार बार अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ये है चरण फौजी ढाबा। जी हाँ, चरण फौजी ढाबा पे रुके हैं, लेकिन फैसिलिटीज इसकी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। और बाहर का व्यू दिखाऊं तो सुपर डुपर हिट है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियां जब चलती हैं, ट्रक जब चलते हैं, तो कितना मजा आता है। और उसके थ्रू जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, धूल भरी को हटा दो और ठंडी हवा को याद करो, वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने सोचा जब थोड़ी देर बाहर आई हूँ, चेयर पे बैठी हूँ, तो आपको लोगों को बाहर दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग भी बड़े देर से गाड़ी पे पता नहीं क्या सफोकेशन होने लगी है। और गर्मी बहुत है यार, वहाँ ठंड बहुत थी, यहाँ गर्मी बहुत है। अब एक दो दिन एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। आवाज़ आ रही है? एडजस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है चलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि आते ही मैं ठीक रात को अपने घर पे पहुंच गई थी 10:10 पे। फोन की बैटरी बिल्कुल लो थी, पर इतनी थी कि मैं व्लॉगिंग कर सकती थी 2 मिनट की, लेकिन मैं इतनी सच में इतनी ज्यादा चूर हो गई थी ना बैठे बैठे, कुछ तो मेरे को समझ सकते हैं, टाइम मेरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो पूरा दिन बैठना उस टाइम पर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन बैठ कर आए और आते मैं ना नहाई, हम लोग सभी नहाए आते और नहा के मैं सो गई थी। मेरे बाद ये सब नहाए हैं, इन्होंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है, खाना आया है 11 बजे के लगभग, और फिर मेरे को उन्होंने उठाया 11:30 बजे, क्योंकि मैं सो चुकी थी जैसे मैंने बताया। तो जब 11:30 बजे उठाया, खाना तो आ गया था सबके लिए, लेकिन वो ये ना सब इतने थक चुके थे कि किसी ने भी खाना नहीं खाया, किसी ने एक आधा बाइट बस ऐसे ही लिया और सब सो गए, क्योंकि सभी थक चुके थे ऑलमोस्ट, क्योंकि पूरा दिन का सफर तय करना आप खुद समझ सकते हो। और उसके बाद में हम लोगों ने सुबह उठे हैं हम लोग 9:30 बजे, तो उन्होंने चाय बनाई है और फैन आते हैं जो, वो हमने फैन खाया है, फ्रेश वगैरह हुए हैं, तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो वेलकम है आपका मेरे घर पे, दिल्ली वाले घर पे, होम स्वीट होम आके बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा डस्ट वगैरह हो गया, अब करूंगी वो सारी सफाई क्लीन, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने गांव से आने के बाद घर को कैसे क्लीन आउट किया है, क्या क्या किया है, अगर हिम्मत हुई तो करूंगी, नहीं तो फिर सारा क्लीन बिना कैमरे के करूंगी और फिर बाद में आप लोगों को दिखा दूंगी। और इतनी ज्यादा थकावट हो रही थी ना सच्ची, मेरे सारे जोड़ जितने भी थे ना सब पेन कर रहे थे। तो बस कल मम्मी को रोता छोड़िया है, आके मम्मी को फोन करा हम लोगों ने कि भाई सब कुछ ठीक है और टेंशन, मतलब हन्नी बन्नी कसम वो बहुत मानती है, तो हन्नी बन्नी कसम दी है, अब वो नहीं रो रही हैं, वो ठीक है। मतलब होते ही एकदम से, कहाँ हम 4-5 लोग कहाँ एकदम से घर खाली हो जाए तो फिर तो रोना आता ही आता है, और वो तो वैसे भी वहाँ पे अकेली रहती हैं, तो फिर तो उनका दिल थोड़ा छोटा सा हो जाता है। कहने को मेरी सास जो है वो बहुत हिम्मत वाली है, एक मैं कहती हूँ कि एक आदमी भी इतना हिम्मत वाला नहीं होगा जितनी मेरी सास है, सही में उनकी तारीफ है इस बात की, वो बहुत हिम्मत वाली है मेरी सास जो है। और जो कल मुझे हमको लेने जो भाई यहाँ से दिल्ली से वहाँ गए थे, उनकी भी मैं बहुत तारीफ करूँगी, और इसलिए करूँगी क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कोई अपना भी नहीं आता, जैसे मैंने कल बोला था, लेकिन एक सिर्फ दोस्ती, एक इनकी दोस्ती ही तो है जिसके खातिर वो यहाँ से वहाँ गए। और सच बताओ ना, सबसे अच्छी बात उनकी, उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं मांगा, हालांकि उन्होंने 2-3 जगह पेट्रोल भी भरवाया, लेकिन उन्होंने हमसे 1 रुपया नहीं मांगा। हाँ, हमने अपनी खुशी से जो दिया वो दिया, वो देखो ना, मैं कैमरे पर शो ऑफ करना चाहती हूँ ना, मुझे बोलने में भी नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है, हमने जो दिया वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक जुबान नहीं हिलाई कि भाई मेरा इतना लग गया, मेरा उतना नहीं। और हमारे घर पर भी नहीं आए वो बेचारे, पूरा रात के, परसों रात को चले हुए, सुबह पहुंचे हैं वो हिमाचल, और फिर सुबह हम लोग मिले हैं उनको, और फिर सुबह से शाम रात को आए हैं वो। सोचिए कोई बंदा कर देगा? हैट्स ऑफ यार, मैं कह रही हूँ हमने जिनों के साथ इतने उपकार किए ना, वो भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने करा, मतलब
लिटरली हैट्स ऑफ है उन भाई को मेरे लिए। कभी ना, मुझे नहीं पता वो मेरे ब्लॉग देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन भाई अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो थैंक यू, आपको दिल से सलूट है यार, क्योंकि आपने मेरे बच्चों की और मेरी सेफ्टी सोचते हुए मुझे घर लाए, जो कि आज के ज़माने में कोई नहीं लाना चाहता, कोई कहीं नहीं जाना चाहता, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, वो भी यहाँ से हिमाचल और हिमाचल से फिर वापस दिल्ली। तो हैट्स ऑफ है उनको, मेरी और अन्नू की तरफ से थैंक यू है सबसे पहले तो। ठीक है, तो चलिए बकर बकर कुछ ज़्यादा हो गई, रखती हूँ यहीं पे, मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग में। बाय, टेक केयर, लव यू, शब्बा खैर, जय माता दी।